खरवान खदरना हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान और यहाँ पर हाजिर हर एक इंसान नमस्ते अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं शायरी लिखता हूँ। आज मैं अल्फाज के इस फोर्थ एडिशन में मैं चार शायरी लिख के लाया हूँ। मैंने पहले इसमें भी कहा था, मेरी पहली शायरी है जो लोग आजकल रिलेशनशिप में होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने महबूबा के सामने भीख मांगते हैं, लेकिन जब वो हमको छोड़ने की बात करती है तो प्लीज डोंट गो आई विल नेवर लीव विदाउट यू ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, हमारा एटीट्यूड कुछ अलग है। तो इस पे एक शायरी है, किसी से गिला नहीं शिकवा नहीं किसी को दुआ नहीं बद्दुआ नहीं, किसी को दुआ नहीं बद्दुआ नहीं, हम भी अपने मर्जी के मालिक हैं, किसी के बाप के नौकर नहीं। जो हमारा नहीं हम उसके हैं। मेरे दूसरी शायरी है मोहब्बत के नाम। जब भी हमें मोहब्बत होती है तो हम उस पर्सन के बॉडी पर्सनालिटी को नहीं देखते हैं, मोहब्बत बस हो जाती है। वो कैसे होती है किसी को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आप जब देखेंगे लैला और मजनू के हिस्ट्री के बारे में, लैला कोई कटरीना कैफ की तरह बहुत खूबसूरत नहीं थी। अगर उसके आप असल हिस्ट्री को जाके पढ़ेंगे तो लैला अंधेरे से भी काली थी, या फिर शी वॉज वेरी डार्क लाइक डार्कनेस, बट मजनू को उससे मोहब्बत हो गई थी। तो उसको उसके महबूबा के आगे कुछ नहीं दिखता था। तो उस पे है मेरे एक दूसरी शायरी। सुना है लैला अंधेरे से भी काली थी, दिखने में तो शैतान की भी साली थी, जो जैसा होता है दूसरा उसे वैसा ही नजर आता है। मजनू अपने दिल का निराला था, इसीलिए लैला उसकी निराली थी। और मेरी तीसरी शायरी है टीचर्स डे के नाम। टीचर्स डे आ रहा है, नियर है। तो हम लोग सामने दुनिया में कहीं भी जाए, हमारे गुरुओं का हम ऋण नहीं चुका सकते। हम चाहे कितना भी बड़ा काम कर ले, कितना भी हम पाले, चाहे हम स्वर्ग पर चले जाए, लेकिन हम अपने गुरु का ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। तो उनके ऊपर एक शायरी है, बारिश के बाद छाता भी हमें बोझ लगता है। साइंस के स्टूडेंट्स को क्लास बंक करना भी एक खोज लगता है। आप सितंबर 5 वाले टीचर्स डे की क्या बात करते हो? हमें टीचर्स डे हर रोज लगता है। और एक मेरे आखिरी शायरी है जो आपके बहुत एक ट्रेंड चल रहा है। जैसे कोई कहता है पहले तो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करके सब हो जाता है, पर कहते हैं कि पापा नहीं मान रहे। ये तो आप इंस्टाग्राम में ट्रेंड देखा होगा। तो मैंने इसी पे एक शायरी लिखा है। क्या कहा पापा नहीं मान रहे, क्या कहा पापा नहीं मान रहे, जब तुमने हमें आई लव यू कहा था, क्या जब आपके पापा मान रहे थे, जब तुमने आई विल नेवर लीव यू कहा था, क्या तब आपके पापा मान गए थे? जब तुमने मेरे गिफ्ट को अपनाया था, क्या तब आपके पापा मान गए थे?
क्या तब आपके पापा मान गए थे? असल में तुम्हें तो हम के असल में तुम्हें तो हमको छोड़ के जाना था असल में तुम्हें तो हमको छोड़ के जाना था पापा नहीं मान रहे, ये तो एक बस बहाना था। ये मेरे चार शायरे हो गए, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को ये बाद में चाहिए, मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करता हूँ। क्या कहा पापा नहीं मान रहे, क्या कहा पापा नहीं मान रहे, जब तुमने हमें आई लव यू कहा था तब क्या आपके पापा मान रहे थे? जब तुमने हमें आई लव यू कहा था तब क्या आपके पापा मान रहे थे? जब तुमने आई नेवर लीव यू कहा था, जब तुमने आई नेवर लीव यू कहा था तब क्या आपके पापा मान गए थे? जब तुमने मेरे गिफ्ट्स लिए थे, जब तुमने मेरे गिफ्ट्स लिए थे क्या तब आपके पापा मान गए थे? क्या तब आपके पापा मान गए थे? असल में तुम्हें तो हमको छोड़ के जाना था, असल में तुम्हें तो हमके छोड़कर जाना था, पापा नहीं मान रहे, ये तो बस एक बहाना था। शुक्रिया।